रुकी नावरे, मैं होशंगाबाद ब्लॉक से आई हूँ और मेरी एक ही मांग है कि हम लोग अध्यापक साथियों के साथ न्याय हो और हम लोगों को शिक्षा विभाग में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं बच्चों के प्रति, जो रेगुलर टीचर दे रहे हैं बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, वही हम लोग भी बहुत सालों से काफ़ी सालों से मतलब शिक्षा के लिए कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुने और हमें शिक्षा विभाग में सम्मिलित किए, हमारा मांग को स्वीकार करें। मैडम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का और राज्य सरकार का नारा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज बेटी रोड पर है। हाँ सर, हमारे यहाँ माननीय जो शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि मेरी बहनों की बेटियाँ हैं और मैं उनका मामा हूँ, तो वो हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन सर, मैं आज ये बताना चाह रही हूँ कि वो उनकी बेटियों के साथ और उनकी बहनों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया तो कितना आश्वासन देंगे वो हमें। हम सब थक गए हैं सुन सुनकर। हम सब एक मांग चाहते हैं और हमारी एक मांग है शिक्षा विभाग में सम्मिलन, ताकि हम लोग ये रोड पर धरना, हमें अच्छा नहीं लगता सर। हमारे घर से हमें लोगों को देखते हैं, हमारे परिवार देखते हैं कि लोग बाग यार ये देखो हर कभी धरना लेके बैठ जाते हैं, लेकिन वो हमारी व्यथा को नहीं जानते, हम कितने परेशान हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी मांग को स्वीकार की जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस शिक्षा विभाग में सम्मिलन हो जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा सर। सर, हमारी मेन मांग है शिक्षा विभाग में सम्मिलन, क्योंकि और जो शिक्षकों को सुविधा मिल रही है हम चाहते हैं कि हमें भी वो सुविधा मिले, क्योंकि हम जब समान कार्य कर रहे हैं, समान तो हमें वेतन मिलना चाहिए, समान सुविधा मिलना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें बस। जो आपका सिलेक्शन हुआ था तो क्या मापदंड रखा गया था? सर, जो नॉर्मल शिक्षकों के लिए रखा गया था, वर्ग 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, वो सभी क्वालिफिकेशन हम लोग पास कर आए हैं, उसी के आधार पर आज हमको जॉब मिली है। तो हम चाहते हैं कि हमें जब आपने पूरी मापदंड पूर्ण करने के बाद मतलब नौकरी दी है, तो हम चाहते हैं कि हमें आप और सुविधा भी प्रदान करें। तो आपका जो सिलेक्शन हुआ था आयोग के द्वारा हुआ था या ग्राम पंचायतों के द्वारा हुआ था? सर, हमें ये बताया गया था कि शिक्षा विभाग की जॉब निकली है और आपको भरना है, तो सर हमें ये नहीं मालूम था उस टाइम, क्योंकि हम इतने ज़्यादा सर 12th और बीए और उसके बाद एमए मंगा था, और उसके बाद जो आपकी अन्य मतलब शिक्षा, हाँ बीएड वगैरह जो है वो शिक्षाएँ मांगी। धन्यवाद।